हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड डीके का, ठीक है, हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसका जो एक नाइन्थ पार्ट है, ठीक है, जो कि जेएससी सीरियल वाले में आपका एग्जाम में आने का बहुत ही चांसेस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अब इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, किया हुआ है, ठीक है, आप उसको जरूर से देखिए, उसका भी टेस्ट सीरीज लगाइए, एनालिसिस कीजिए कितना हम लाने में सक्षम है, ठीक है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, ठीक है, नए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज 9, ठीक है। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। केंद्र सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRA झारखंड के नई प्रशासनिक और भवन का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी सिद्धू कान्हू मुर्मू, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाँ, जिन लोगों ने सही किए हैं उनके नाम है, ठीक है, नंदकिशोर सिंह, ठीक है, एकता मेहता और सुरेश कुमार, जिन्होंने ये सही किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस टाइप से ही प्रैक्टिस करते रहिए, आपका एग्जाम जरूर जरूर निकलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पद्म भूषण 2019 से सम्मानित करिया मुंडा झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन ए खुट्टी, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुट्टी। देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन एक और बन सकता है यहाँ से पद्म भूषण से, कि बोलेगा करिया मैंने कि बोलेगा कि करिया मुंडा को पद्म भूषण कब मिला है 2019, ठीक है, करिया मुंडा को किस किस क्षेत्र में मिला है? आपको पब्लिक अफेयर से मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का संस्करण छुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन ए शिशु हिरण, ऑप्शन बी शिशु हाथी, ऑप्शन सी शिशु भालू, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, खुद से एनालिसिस कीजिए कि हमको 30 में कितना आ रहा है, जो कि सचिवालय का सचिवालय के एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन सी अरुणा मिश्रा, ऑप्शन डी दीप सेन गुप्ता। चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम स्टार्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेमलता अग्रवाल। ये माउंटेन में चढ़ी थी और ये 2004-2005 में ये नॉर्वे या जो भी है उसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है, ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, बोकारो जिला, ठीक है। अब बोलेगा कजन ग्राउंड कहाँ स्थित है, कजन ग्राउंड पूछेगा तो हजारीबाग में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 नंबर। छोटा नागपुर काश्तीकरण अधिनियम 1960 की धारा फ्रिंडब्लेंस के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है, ठीक है। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 42, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है कि जो छोटा नागपुर कास्ती के अधिनियम 1960 के किस धारा के तहत ये किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, माने कि 46 में 46 हो जाएगा, याद रखिएगा। और छोटा नागपुर कास्तीकरण अधिनियम कब लागू हुआ था, ये कि बोलता सीएनटी एक्ट कब हुआ लागू हुआ, आप लिख याद रखना होगा 1908, इंपोर्टेंट है। अब बोलेगा इसका मैंने कि आपको पूछा मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो बोलेगा खुट्टी जिला में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण फ्रिंडब्लेंस में गठित की गई है, ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2011। चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम स्टार्ट।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द करेक्ट आंसर होगा 2009। ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन सब। क्वेश्चन नंबर 7, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए नारायण सोरेन, ऑप्शन बी सुलेमान मुर्मू, ठीक है, ऑप्शन सी पंचानन मालदी, ठीक है, ऑप्शन डी रघुनाथ मुर्मू। चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम स्टार्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द करेक्ट आंसर हो जाएगा सुलेमान मुर्मू। इंपोर्टेंट है, याद रखिए इसको भी। 8 नंबर, बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है। ऑप्शन ए आदित्यपुर, ऑप्शन बी सोनारी, ऑप्शन सी चांदिल, ऑप्शन डी तमार। चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम स्टार्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदिल। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है कहां पर, ऑप्शन सी हो जाएगा चांदिल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आदि धर्म के स्नाकर कौन है। ऑप्शन ए जोबा मुर्मू, ऑप्शन बी रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन सी रामदयाल मुंडो, ठीक है, ऑप्शन डी मांझी रामदास टुडू। चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम स्टार्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदयाल मुंडा। याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका 100% चांस आने का। आदि धर्म का स्नातक कौन है, रामदयाल मुंडा, ठीक है, और रामदयाल मुंडा को पद्मश्री कब मिला है, 2010 में मिला है, ठीक है, कला के क्षेत्र में मिला है और संगीत नाटक अकादमी मिला है। देखिए रामदयाल मुंडा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2007 में मिला है, याद रखिएगा, पद्मश्री 2010 में कला के क्षेत्र में, अब इनको रामदयाल मुंडा को आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2007 में मिला, ये भी याद रखिएगा। और आज धर्म का रचनाकार कौन है, रामदयाल मुंडा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयां कार्यरत है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। और 2 में कौन कौन आएगा मैं बताना चाहूंगा, कि टाटा स्टील आ जाएगा जो कि जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है, और सेकंड बोकारो इस्पात आएगा, ठीक है, जो बोकारो जिला में स्थित है, ठीक है, इंपोर्टेंट दोनों याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, ठीक है, ऑप्शन ए NH2, ऑप्शन बी NH23, ऑप्शन सी NH32, ऑप्शन डी NH33, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा NH33। अब इसका जो लंबाई बोल सकते हैं यहाँ पर कि 333.33 मतलब कि 3333.33, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है। अशोक चक्र प्राप्तकर्ता, ऑप्शन ए रणधीर वर्मा, ऑप्शन बी अल्बर्ट एक्का, ऑप्शन सी जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम स्टार्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा रणधीर वर्मा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अशोक चक्र पूछेगा था रणधीर वर्मा, अगर झारखंड का प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता बोलेगा तो यहाँ पर अल्बर्ट एक्का हो जाएगा। और जयपाल सिंह क्या है तो बताइए, यहाँ पर ये हॉकी प्लेयर थे जो कि ये मैंने कि हॉकी वर्ल्ड कप भी खेले हुए थे, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको जयपाल सिंह मुंडा को अब वो मारंग गोमके के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई है। ऑप्शन ए 1932 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1986 में, ऑप्शन डी 1992 में। चलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 में, 1986 में। नेक्स्ट 14 नंबर, झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा परियोजना, ऑप्शन बी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी मयूराक्षी परियोजना, ऑप्शन डी कोयल कादर परियोजना। चलिए आपके लिए 5 सेकंड का टाइम स्टार्ट। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा परियोजना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखिएगा। 15 नंबर, झारखंड के निम्न जैविक उद्यानों में कौन सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए बीसा जैविक उद्यान, जो कि देखिए इधर आपको उद्यान का नाम दिया हुआ, इधर उसका स्थान का नाम दिया हुआ, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं बीसा जैविक उद्यान कहां दिया उसका, ओरमांझी। ऑप्शन बी का नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में, ऑप्शन सी बिरसा मिर्ग बिहार
काला माटी में, ऑप्शन मर्दी, ऑप्शन मगध प्रजनन केंद्र पलामू। देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन आपका सही रहेगा, एक ऑप्शन गलत होगा। देखिए तो ऑप्शन देखते हैं, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी, ये बिल्कुल सही है। और मांझी कहाँ, रांची में स्थित है, याद रखिएगा। नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में, ये भी मतलब की सही है, ठीक है। बिरसा मृग विहार काला माटी, ये भी सही है। लेकिन फोर्ट जो है मगर प्रजनन केंद्र, ये पलामू में स्थित नहीं है, ये आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, मगर प्रजनन केंद्र ये पलामू में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सिक्सटी नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिक्सटी नंबर, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन ए दीप सेन गुप्ता, ऑप्शन बी नीरज कुमार गुप्ता, ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन डी कोनेरू हम्पी, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, दीप सेन गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है भी, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिकार ने कर्मने यथावादी, ठीक है, आयरन लेडी ऑफ द झारखंड के रूप में जानी जाती है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रेम लता अग्रवाल, ऑप्शन बी दयामणि बारला, ऑप्शन सी नीरा यादव, ऑप्शन डी दूस मरांडी। चलिए आपका जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयामणि बारला। इनको काउंटर मीडिया से भी नवाजा गया है अवार्ड से, ठीक है, याद रखिएगा उसको भी। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन सी 24। चलिए आपका यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक बताना चाहूंगा कि अभी झारखंड जो वर्तमान में कितने जिला है, 24 जिले होंगे, माने कि जब 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 झारखंड राज्य निर्माण होता है कितना, 15 नवंबर 2000 को जब बन गया था तो ये उस समय कितना जिला था, 18 जिला था, ठीक है। अभी झारखंड जो था बिहार से अलग हुआ था कितना प्रतिशत लेके, आप देखिए 46% बोल सकते हैं या बोल सकते हैं 45.80% बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या याद रखिएगा कि यहाँ से देखिए अभी वर्तमान में जो जिला है ना वो 6 जिला बढ़ गया है, ठीक है, ठीक है। कौन कौन है, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, ठीक है, सरायकेला खरसावा, खूंटी, रामगढ़, मतलब 6 और जिला बढ़ा है। आप बोलेगा झारखंड का 1900 जिला कौन है, बताइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, झारखंड का 1900 जिला कौन होगा, जामताड़ा हो जाएगा वहां पर, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद नहीं सॉरी लातेहार, 1900 जिला क्या था, लातेहार हो जाएगा वहां पर, ठीक है। और जामताड़ा किससे अलग हुआ था, दुमका से अलग हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर, देखिए झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी एच डी देवगौड़ा। चलिए आपके लिए 5 सेकंड की टाइम स्टार्ट। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अब यहाँ पर एक मैं फैक्ट देना चाहता हूँ, जब झारखंड राज्य के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अगर बोलेगा झारखंड राज्य गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायण हो जाएगा। बोलेगा झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी, मैंने राबड़ी देवी थी, ठीक है। झारखंड राज्य के गठन के समय पूछेगा कि बिहार के राज्यपाल कौन थे, भीसी पांडे थे, ठीक है। आपको इतना चारों फैक्ट को याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए कोबर चित्रकारी एवं सोहराई चित्रकारी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए कोबरा चित्रकारी में देवी का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराई चित्रकारी में प्रजापति का चित्रण किया जाता है, ठीक है। 2 नंबर, देखिए इसमें कोबर चित्रकारी में स्त्री पुरुषों का, जबकि सोहराई चित्रकारी में जंगली जीव जंतुओं का चित्रण किया जाता है। आपको ये 1 और 2 दिया है, इसी से आपको ऑप्शन बनाना है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन बी में केवल 2 सही है, ऑप्शन डी 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना तो 2 सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, माने कि 1 और 2 सही है। देखिए कोबरा चित्रकारी में देवी का चित्रण किया था, बिल्कुल सही है, जबकि सोहराई चित्रकारी में प्रजापति का चित्रण किया था, बिल्कुल सही है भी, ठीक है। कोबर चित्रकार में स्त्री पुरुष का, जबकि सोहराई चित्रकारी में जंगली जीव जंतु का चित्रण किया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, माने 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर, देखिए झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय
समिति का गठन किया गया था, कब किया गया था? झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया था? ऑप्शन ए 1978 में, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1989। ठीक है, चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम स्टार्ट देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। देखिए 1987 हो जाएगा, 1987 झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? 1987। एक क्वेश्चन आप बताता हूँ, झारखंड विषयक समिति का गठन पूछेगा तो क्या होगा? 1989 हो जाएगा, याद रखिएगा। झारखंड समन्वय समिति का 1987, झारखंड विषयक समिति का हो जाएगा बताइए 1989, दोनों याद रखिएगा। यहां से किस त्यौहार के द्वारा गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत या छप्पर पर साल के फूल रखता है? ऑप्शन ए वंदना, ऑप्शन बी रोहिणी, ठीक है, ऑप्शन सी हलपुना, ऑप्शन डी सरहुल। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, सरहुल हो जाएगा। ठीक है, सरहुल देखिए ये आदिवासी का सबसे बड़ा पर्व है, याद रखिएगा। इसे मैंने कि जब ये पेड़ों पर फूल आने लगते हैं तब मनाया जाता है, सरहुल मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्लस ये चैत के पहले दिन मनाया जाता है, याद रखिए भी रखिएगा। चलिए 23, छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है, दामोदर द्रोण निम्नलिखित में किसके बीच द्रोण बनाता है? ऑप्शन ए रांची और हजारीबाग का पठार, ऑप्शन बी मानभूम और सिंहभूम का पठार, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको ये 5 सेकंड टाइम स्टार्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, रांची और हजारीबाग का पठार के बीच में दामोदर द्रोण के किसके बीच? रांची और हजारी पठार के बीच द्रोण बनाता है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है कहां मिलता है, किस सदी में? ऑप्शन ए 13वीं सदी के ईस्वी के एक ताम्रपत्र में, ऑप्शन बी 14वीं शताब्दी ईस्वी के एक ताम्रपत्र में, ऑप्शन सी 15वीं सदी के एक ताम्रपत्र में, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। चलिए आपके लिए 5 सेकंड स्टार्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने की 13वीं सदी के ईस्वी के एक ताम्रपत्र में। नेक्स्ट 25 कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति को लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी खारवार। चलिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जनजाति, हो को द्वारा। ठीक है, लड़ाका कोल किस नाम से प्रसिद्ध थी बताइए? हो जनजाति। ठीक है 26 नंबर, टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1910 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1913 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आपके लिए टाइम शुरू होता है। चलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, 1911। अब समझिए थोड़ा सा, देखिए टिस्को का जब स्थापना हुआ था कब होता? 1907 होगा। ठीक है, अब बोलेगा उत्पादन कब हुआ था बताइए? 11 हो जाएगा, याद रखिए लोहे का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तेलियागढ़ी कहां स्थित है? ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी देवघर में, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी पलामू। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, साहिबगंज में। तेलियागढ़ कहां स्थित है बताइए? साहिबगंज में स्थित है। नेक्स्ट 28 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है, हेलन स्वाई किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी प्लेयर है। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा भी हॉकी प्लेयर है, याद रखिएगा। 29 नंबर, कोलेश्वरी मंदिर स्थित है कहां पर? ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी गढ़वा में, ऑप्शन डी कोडरमा में। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चतरा में। कोलेश्वरी मंदिर स्थित कहां है बताइए? चतरा में। 30 नंबर, आके टुडे लास्ट क्वेश्चन है, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया है? ऑप्शन ए फणी मुकुट राय, ऑप्शन बी पूरन मल, ऑप्शन सी शिव बालक, ठीक है, और ऑप्शन डी रुद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा माने कि पूरनमल द्वारा है। ठीक है, याद रखिएगा देवघर स्थित 25 शिव मंदिर का निर्माण किस द्वारा किया, पूरनमल शासक द्वारा है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग वो करते हैं, हर दिन करते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर रिप्लाई कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है कि इसका आंसर क्या होगा सर। ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, झारखंड के किस संथाली साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से रिपीट, झारखंड के किस संथाली साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ठीक है श्याम बेसरा, ऑप्शन बी लक्ष्मण चंद्र सोरेन, ऑप्शन सी जोबा मुर्मू, ऑप्शन डी मुकुंद नायक। इसका आपको रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में, आंसर जरूर जरूर रिप्लाई कीजिए। बहुत ज्यादा बहुत लोग सही कीजिए इसको, बहुत से ज्यादा लोग ज्यादा ज्यादा सही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है 1 to 30 को आप मैच कर सकते हैं, वहां से मैच कर सकते हैं चाहे यहाँ से मैच कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसमें इजी ज्वाइन होकर आप वहां से वीडियो या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ भी जो भी मटेरियल आपको चाहिए वहां से पूरा अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ठीक है, और वहां पर हम लोग यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर हम लोग डेली क्विज कराते हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं क्विज के डिपेंड पर। ठीक है, क्विज हमेशा पर डे होता है, उसमें झारखंड जीके रीजनिंग मैथ ठीक है टोटल होता है, झारखंड जीके ऑल इंडिया जीके मतलब हर टाइप्स करवाते हैं, साइंस का करवाते हैं, तो आप वहां इजी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए और चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए करने की कोशिश कीजिए जिससे उसको भी फायदा हो। ठीक है, अगर और हमारे कमेंट से रिप्लाई कीजिए कि वीडियो कैसा पे लगा है। ठीक है, और अगर हमारे YouTube चैनल पर ठीक है आप नए हैं तो आप जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।